हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल फ्रेश गार्डनिंग पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपके पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, ज़्यादा फ्रूटिंग होगी। कई बार पौधों में ना तो फ्लावरिंग हो पाती है और ना ही फ्रूटिंग हो पाती है, तो इस ट्रिक को फॉलो करने से आपके पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों चीज़ होगी। तो इस ट्रिक को आपको फॉलो करने के लिए पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अक्सर हम लोग करते क्या हैं कि हम ऊपर पौधे में वाटरिंग कर चले जाते हैं और हम उसके नीचे देखते ही नहीं है कि क्या चल रहा है उसकी जड़ों के आसपास। और हमें कई बार हम लोग इसमें गुड़ाई भी करते हैं तो हम 3 से 4 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 इंच की हम गुड़ाई कर चले जाते हैं। और एक गलती हमारी ये भी होती है कि हम जो वाटरिंग करते हैं वो हम गुड़ाई करने के तुरंत बाद कर देते हैं। ये गलत होता है। गुड़ाई इसलिए की जाती है ताकि उसको अच्छी तरीके से सनलाइट मिल पाए और अच्छी तरीके से उसको हवा मिल पाए उसकी जड़ों को। आप गमले में लगे हुए पौधे या फिर जो आपका ग्राउंड में लगा हुआ पौधा है, दोनों तीनों के साथ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी चीज़ इस मौसम में। या फिर आप मिट्टी बदलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं जो आपने गमले में पौधे लगाए हुए हैं। ये मौसम सबसे बेस्ट है पौधों की मिट्टी बदलने के लिए, बाहर का मौसम। तो आपको करना क्या होगा, किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से आप इसकी 4 से 5 इंच की मिट्टी जो है वो निकाल लीजिए। थोड़ी पहले मिट्टी को खोद लीजिए, मिट्टी अगर सख्त है तो वो थोड़ी वाटरिंग आप कर सकते हैं। ये मिट्टी बहुत ढीली है तो मैं इसको कुछ 4 से 5 इंच के लिए खोद लेता हूँ। और अब इस सारी मिट्टी को हम निकाल देंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप इतनी मिट्टी निकाल पाएँ कि उसकी हल्की हल्की बिल्कुल छोटी छोटी जड़ें हमें दिखने शुरू हो जाएं। कई बार क्या होता है कि पौधों की जड़ों में जाले लग जाते हैं, वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस होता है। वो बड़े पौधों के लिए होता है जो कि अपनी 7 से 8 की एज उनकी हो चुकी होती है। उन पौधों के लिए उनमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं हो रही होती है। जैसे आम का पौधा है, उसमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा बड़ा प्रोसेस होता है। ये पौधा कम से कम 4 या 5 साल का हो चुका है, 4 साल का आप लगा लीजिए इस पौधे को। तो इसकी पूरी मिट्टी हम निकाल लेंगे अच्छे तरीके से। इसकी मिट्टी हमें निकाल लेनी होगी कम से कम 4 से 5 इंच की। तो अभी कुछ छोटी छोटी जड़ें मुझे दिखनी शुरू हो गई है, बिल्कुल छोटी छोटी। तो और मिट्टी मैं इसकी नहीं निकालने वाला हूँ। अब आपको करना क्या होगा, इसकी पूरी अच्छी तरीके से थोड़ी बहुत मिट्टी आपने निकाल लेनी है। मिट्टी निकालने के बाद आप इसमें अच्छे तरीके से गुड़ाई कर दीजिए। थोड़ी बहुत जड़ें अगर कट जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत जड़ें कटना ज़रूरी होती है। कई बार क्या होता है, पौधों में जाले लग जाते हैं, जड़ों की एक गुट्ठा सा बन जाता है, तो उसकी वजह से भी कई बार फ्रूटिंग नहीं हो पाती है हमारे पौधों में। और इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपके पौधे में अगर फ्रूटिंग पहले से ही हो रही है तो उसमें अब और ज़्यादा फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी और बड़ी फ्रूटिंग। जैसे मान लें छोटा अमरूद लगता है तो वो बड़ा हो जाएगा। तो अब एक बार इसमें अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लेने के बाद अगर आप इसमें खाना डालना चाहते हैं, मतलब कि पौधे का खाद डालना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। खाद इसको कौन सा देना है वो मैं आपको बता दूँ। मैंने इसमें 2 दिन पहले ही खाद दिया है तो मैं आज इसमें नहीं डालूँगा। आपको कौन सा खाद देना है, सरसों की जो खल होती है उसका जो नॉर्मल खाद हम लोग बनाते हैं वो आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं जल्दी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। और या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप जो नॉर्मल चाय की पत्ती होती है उसमें आप चीनी वगैरह मत डालिए, बाकी जो आप अदरक इलायची जो भी कुछ डालते हैं वो सारी चीज़ें डाल लीजिए। उसको आप अपनी मेन स्टेम से दूर रखते हुए थोड़ा सा डाल दीजिए पौधों में। और उसके बाद जो आप मिट्टी की लेयर लगाएंगे, अब जो मिट्टी की मैं दोबारा से भर रहा हूँ इसके अंदर, वो मिट्टी वो वाली नहीं है जो हमने निकाली थी मिट्टी, मैं इसके अंदर दूसरी वाली मिट्टी भर रहा हूँ जो कि यूज़ नहीं हुई हुई है पौधों के कामों में। तो नई मिट्टी भरना दोस्तों ज़रूरी है, क्योंकि उस मिट्टी का जो यूजफुल मिनरल्स थे वो थोड़े कम हो चुके होंगे पहली वाली के जो हमने निकाली थी। तो अब इसके अंदर हम नई फ्रेश सोइल भर रहे हैं जिसके अंदर अच्छे तरीके से मिनरल्स होंगे जो कि पौधों को ग्रोथ में हमेशा हेल्प करेंगे। आप एक बात का और ध्यान रखिए कि आप जब इसमें अच्छे तरीके से मिट्टी भर देंगे इसके अंदर, आप जो मिट्टी भर रहा हूँ इसके अंदर मैंने थोड़ा खाद मिलाया है। अब गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं तो आप ज़्यादा खाद मत मिलाइए। अगर आपने सिर्फ 20 से 30% इसमें खाद मिलाना है, आप केमिकल फर्टिलाइज़र का तो यूज़ बिल्कुल ही मत कीजिए। आप नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद होती है वो डाल सकते हैं, आप इसमें किसी भी तरह का खाद डाल सकते हैं, पर आपको वो वाला खाद नहीं डालना है केमिकल फर्टिलाइज़र। वो हमारे पौधों के लिए स्टेज पर हार्मफुल होता है। तो अब आपको करना क्या होगा,
जो ये मिट्टी हमने डाली है इसको आप दबाइए मत, इसको ऐसे कैसे छोड़ दीजिए। तो ये था दोस्तों वो प्रोसेस जिससे आपके पौधे ज़्यादा और अच्छी फ्रूटिंग आपके पौधे पर हो पाएगी। आप भी इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।